खबर कुशीनगर जिले के कसिया थाना अंतर्गत चकदेहिया गांव से है, जहां चोरों ने रात्रि के समय घर का ताला तोड़कर नकदी समेत लाखों का सामान साफ कर दिया। आपको बताते चले कि चकदेहिया निवासी विद्या सागर वर्मा स्वर्ण व्यवसायी हैं तथा इनकी हाटा में ज्वेलरी की दुकान व मकान है। मंगलवार की सुबह जब वह अपने गाँव चकदेहिया आए तो घर का ताला टूटा देख कर अचंभित हो गए और आसपास के लोगों से चोरी की घटना की सूचना दी। तत्काल बाद ही विद्या सागर वर्मा ने प्रशासन को अपने घर में हुई चोरी की घटना की सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर चौकी प्रभारी कुशीनगर थाना अध्यक्ष कस्या और फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर चोरी की घटना का सघन जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। ये आपके घर में आज चोरी की सूचना मिली है, ये कैसे हुई है इसकी? जी, हम लोगों का एक आवास हाटा में है, जिसमें हम सब परिवार रात्रि हाटा में ही रुक गए थे। आज सुबह हम 7:30 बजे अपने गांव चकदेहिया में जब आए हैं तो गेट खोलने के बाद देखे कि हमारा ताला टूटा हुआ है। तो हम मकान के अंदर प्रवेश किए तो देखे कि सारा सामान बिखरा हुआ है। तो बाहर निकल के हम अपने टोले मोहल्ले के लोगों को बताए, उसके बाद प्रशासन को हमने बताया। आपका थाना कौन सा है? कसिया थाना, हमारा ग्राम चकदेहिया। लगभग ये रात्रि में घटना हुई है, आज रात्रि में घटना हुई है, सुबह हमें जानकारी हुई है। चोरी में किन किन वस्तुओं का नुकसान हुआ है? चोरी में हम ज्वेलरी का काम करते हैं, सोने चांदी का, और सुबह में लोगों के घर घर जाकर सामान बिक्री भी करते हैं। तो वो सामान था बिक्री करने वाला हमारे दुकान का, और हमारे शादी का सारा सामग्री था, वो सब सामग्री गायब हुई है। कुछ कैश उसमें भी आपका गया? हाँ, उसमें नगद हम लाए थे देने के लिए, पैसा था ना, और बिक्री का भी दुकान का पैसा था, वो सब सारा पैसा चला गया है, गहना चला गया है, कुछ गिरवी का सामान तो वो भी चला गया है, और नगद तो गया ही है, शादी का भी सामान चला गया। कुल कितने का नुकसान हुआ है आपको? कुल 8 से 10 के बीच में हुआ है नुकसान, 8 लाख से 10 लाख के बीच में। घटना का संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक अधिकारी यहाँ कौन कौन आया था? प्रशासनिक अधिकारी यहाँ चौकी इंचार्ज आए थे, SO आए थे, बाकी फॉरेंसिक टीम आई थी, और डाग एक्सपर्ट आए थे, ये सब सारी टीमें आई थी। अभी जानकारी नहीं हुई है कि इसके विषय में क्या हुआ। कुछ संदिग्धों के बारे में बता दिया गया है, अब वो लोग अपने हिसाब से जो भी कार्रवाई करें। धन्यवाद।